चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं जयपुर जाने वाला हूँ, और मैं कल रात को जयपुर आ गया था फ्लाइट से, और फ्लाइट में ना एक थोड़ा सा इंसिडेंस हो गया मेरे साथ, इसलिए ना मैं वीडियो बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं हुआ। जैसे मैं एयरपोर्ट पहुँचा ना वहाँ पे, तो मेरा फ़ोन लॉस्ट हो गया। अब ये नहीं पता कि कहाँ पे मेरे से गिर गया या क्या हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया। जब मैं कैब से उतरा था, आई थिंक मेरे पास था उस टाइम, और उसके बाद फिर मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिला, तो इसलिए मेरा मूड ऑफ था, इसलिए मैंने एयरपोर्ट पर बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई। तो ये जो मैं अभी रुका श्याम नगर में रखा हूँ जयपुर में, कल थोड़ा लेट हो गया था तो इसलिए यहाँ पर अभी होटल ले लिया है। बाकी अभी चेंज कर दूंगा आज यहाँ पे, और अभी सुबह के 8:30-9 बज रहे हैं, तो ये होटल यहाँ से चेंज कर दूंगा। एक बार आपको होटल का व्यू दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का होटल है यहाँ पे, कुछ एक कैटल वगैरह मिल जाती है, एक ये बेड है हमारे पास, मेरे साथ एक दोस्त और है वो भी वॉशरूम में गया हुआ है, और ये यहाँ पे अपना फुल ब्लॉग चल रहा है। ये अलमीरा है, यहाँ पे अपना फुल बैग रखा हुआ है, कपड़े रखे हुए हैं। और एक बार आपको बाहर से व्यू दिखाता हूँ बालकनी का, देखो कितना ही प्यारा व्यू आता है यहाँ से। रात को जब सनसेट हुआ था ना, बहुत ही सुंदर व्यू आया था यहाँ से, और बहुत ही प्यारी लोकेशन है, यहाँ से एंट्रेंस है इसका। तो ये फिलहाल एक दिन के लिए टेम्परेरी रूम ले लिया था, बाकी यहाँ से तो आज चेंज करने का प्लान है, और एक इवेंट है वहाँ पे जाने का प्लान कर रहा हूँ, अगर वहाँ का शेड्यूल बन गया तो। बाकी आपको मिलता हूँ यहाँ से, जब मैं यहाँ से चेकआउट करूँगा तब मिलूँगा आपको, या फिर ब्रेकफास्ट करूँगा तब मिलता हूँ। तो फाइनली यार निकल गए होटल से अपने दूसरे होटल की तरफ, बिकॉज यहाँ पर जो काम था वो अपना ऑलमोस्ट हो चुका है, और अब जा रहा हूँ अपने दूसरी लोकेशन पे, जो दूसरा होटल है मेरे यहाँ से 5-10 किलोमीटर की दूरी पर ही है, तो वहीं पर जा रहा हूँ, लेकिन चेकआउट करता हूँ पहले। मैंने स्टे किया था इस होटल में, करा था ट्रेबो करके, और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है ये इनका कुछ इस तरीके से एंट्रेंस मिल जाता है आपको, जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा ये इसका जो एंट्रेंस है ना, और जो इसका इंटीरियर है वो भी काफ़ी प्यारा था। ये भी आपको वेटिंग एरिया मिल जाता है, अंदर भी काफ़ी अच्छा वेटिंग एरिया है, और एक बार आपको अंदर रिसेप्शन में मिलता हूँ, ये कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है। सर एक बार यहाँ का आप एड्रेस बता देना, प्रॉपर एड्रेस क्या है यहाँ का एड्रेस? सर ट्रेबो इस्ताना इन विद्युत नगर बी। अच्छा, नियर बाई मेट्रो स्टेशन कौन सा है यहाँ का? चुराड़ा सर। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी, और स्पेशली खाना बहुत टेस्ट है यहाँ का। थैंक यू। तो नेक्स्ट टाइम आऊँगा ज़रूर विजिट करूँगा ये प्लेस भी, और आप लोग भी आओ तो यहाँ पे विजिट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी जगह लगी है मेरे को। और बाकी चलता हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, वो जो होटल है यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो भी ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ पर एक दिन का ही काम था मेरे को, तो वो काम मेरा डन हो चुका है। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, अभी कैब बुक कर दी मैंने दूसरे होटल की तरफ, और वहाँ पर मिलता हूँ फिर आपको। निकल रहा हूँ होटल से, और अपनी कैब भी बाहर आ चुकी है, ये खड़ी अपनी कैब,